राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप? कान्हा जी कृपा से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज हम शेयर करेंगे कि कान्हा जी की छठी कैसे की जाती है। कान्हा जी की छठी के लिए हम सात्विक कढ़ी बनाती हैं, चावल और ये पुए और रोटियाँ फुलके। आप चाहें, अगर आपके यहाँ कच्ची रसोई होती है तो आप ये बनाएं, नहीं पूड़ी कचौड़ी कुछ भी बना सकती हैं। और छठी वाले दिन 12 बजे की बात करती है, दोपहर 12 बजे की बात करती है। शाम के शाम छठी का समय होता है, आप शाम को छठी करें या फिर 12 बजे की बात करें। तो छठी वाले दिन सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को आप सवा लीटर मैंने कच्चा दूध लिया है, सवा लीटर कच्चा दूध ले लें। फिर उसमें किस तरीके से स्नान करानी है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ऐसे आप लड्डू गोपाल को कान्हा जी को ले लें और देखिए इस तरीके से ऐसे पकड़ के तीन बार ये हो गया हमारा दूध, ये छठी का दूध होता है, ये अब छठी का दूध हो गया। आप इस दूध को चाय में ले लें, दही जमा दें और दूध पी लें, लेकिन इसका भोग ना लगाएं। तो अब हम इन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ये देखिए इस तरीके से शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। अब इनका अंग पोषण करेंगे, ये देखिए आप साफ, ये मैं टॉवल से इस तरीके से कान्हा जी को पोंछ लूंगी। और छठी वाले दिन हो सके तो आप येलो कलर के कपड़े पहनाएं, कि छठी वाले दिन येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये देखिए अब हम करेंगे, आज छठी है तो हम करेंगे इत्र सेवा। ये हमारी इत्र सेवा हो गई। अब हम पहनाएंगे लड्डू गोपाल को, हो सके तो येलो कपड़े पहनाए, और इस दिन लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ये मैंने कान्हा जी को नहला दिया है। तो फिर ये छठी वाले दिन हम ग्रहण कराती हैं। ये देखिए ये कोंदनी है, ये कमर में पहनने वाली। अब और ये देखिए हाथ में छठी वाले दिन जैसे एक बच्चे को पहनाती है, इसी तरीके से कान्हा जी को भी पहनाई जाती है। ये नजरिया पहना दी। ये देखिए कान्हा जी ने नजरिया और कोंदनी पहन लिए। इसके बाद ये येलो कलर के कपड़े पहनाए, मैंने बताया था। अब मैं पहनाऊंगी इनको पोशाक। ये देखिए लड्डू गोपाल को मैंने येलो पोशाक पहना ली है, ये नजरिया पहने हुए हैं। आप चाहें तो और नए कड़े ला के भी अलग से पहनाते, देखिए जिस तरीके से मैं पहना रही हूँ। और ज्वेलरी हो सके तो नई लें, नई है तो आप पुरानी पहना दें। वैसे तो छठी वाले दिन सारी चीजें नई ही होनी चाहिए। ये देखिए मैं लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सजाऊंगी, क्योंकि और मैं बता दूं छठी में कोई भी व्रत नहीं रखा जाता है, ये सिर्फ उत्सव की तरह मनाया जाता है। अब लगा देंगे हम इनके टीका, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इनको बैठा दूंगी इनके स्थान पर, ये देखिए लड्डू गोपाल को। और अब मैं लगाऊंगी इनको, ये देखिए पगड़ी। अब मैं पकड़ा दूंगी इनको बंसी। छठी वाले दिन काजल लगाया जाता है, तो अब लगाऊंगी मैं लड्डू गोपाल को काजल। देखिए इस तरीके से, यहाँ आप आँख पे थोड़ा सा लगाने के बाद गर्दन के पीछे लगाते हैं और पैरों में लगाते हैं इस तरीके से। हमारे यहाँ छठी सूखी रसोई होती है, तो ये देखिए ये कच्ची रसोई होती है, तो ये मैंने फुलके चावल कड़ी का भोग लगता है, और ये पुए माखन मिश्री और ये मेवा। अब ये देखिए रोली और चंदन से करेंगे हम लड्डू गोपाल का टीका। यहाँ चावल लगाएंगे ये, अब रखेंगे, ये देखिए फूल चढ़ाएंगे।
इस तरीके से लड्डू गोपाल को फूल चढ़ाएंगे। अब धूप जलाएंगे, अब ये हम धूप दिखा देंगे कान्हा जी को। अभी हम आरती करेंगे। अभी हमारा लाला छोटा है, 6 दिन का हुआ है, इसलिए हम घंटी नहीं बजाएंगे, लाला डर जाता है। ये हो गई गोपाल जी की आरती। तो आप छठी वाले दिन लड्डू गोपाल की नौछावर जरूर करें, क्योंकि विशेषकर बच्ची की नौछावर जरूर होती है, और उस नौछावर को अगर एक किन्नर को दें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर नहीं हो तो आप किसी बच्चे या मंदिर में भी दे सकती है। तो इस तरीके से कान्हा जी की छठी पूजी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।